ये नाजमा जान है, उसकी डिसेबिलिटी है सीपी, उसकी डिसेबिलिटी है सीपी, उसको स्पीच प्रॉब्लम भी है। नाजमा को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर हमने इसकी जो सीपी चेयर है उसको अडॉप्ट किया और उसके लिए कम्युनिकेशन ट्राई बनाई। जैसा आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब नाजमा को म्यूज़िक सुनना होता है तो ये इस पर टच करती हैं। जैसा एक्टिविटी के लिए हमने ये बनाया, जब उसको एक्टिविटी करनी होती है तो ये इस पर टच करती हैं। एक्सरसाइज के लिए जब जाना होता है तो ये इस पर टच करती हैं। जब वॉशरूम जाना होता है तो ये इस पर टच करती हैं। और जब कुछ खाना होता है, जब उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये इस पर टच करती है। जब से हमने उसके लिए अडॉप्टेशन बनाई तब से उसको अपनी नीड्स को बयान करने में बहुत सी आसानी हुई। और हम अब उसको लास्ट में जब भी फिनिश करती है तो हम उसको आराम से नीचे भी कर सकते हैं ऐसे। थैंक यू। ब्रेक फ्री सॉल्यूशंस ब्रॉट टू यू बाय EI Labs एंड प्रोजेक्ट डिस्कवरी।